बलरामपुर भारत नेपाल सीमा के सुहेलवा वन के समीप स्थित ऐतिहासिक 51 शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में शारदीय नवरात्र रविवार से शुरू हो रही है। देवी पाटन मंदिर में कुछ खास महत्व माना गया है। ये मंदिर बलरामपुर जनपद मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर तहसील तुलसीपुर के सूर्या सिरिया नदी के तट पर देवी पाटन गाँव में स्थित है। यहाँ पर दूर दूर देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मां पाटेश्वरी के दर्शन करते हैं। 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्रि पर प्रसिद्ध मंदिर देवी पाटन की तैयारियां प्रशासन के द्वारा पूरी की जा चुकी हैं। सुरक्षा के दृष्टिगत मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रहेगी। देखिए, हर साल जो है जिस प्रकार से जो है मेले को लेकर तैयारियां चलती है, इस बार अब हमारी भी बैठक हुई थी मेले की। मेले को लेकर पूरी बैठक जो है कि पूर्ण रूप से जो है कि हो चुकी है, और क्योंकि 15 तारीख से मेला जो है कि शुरू होने वाला है शारदीय नवरात्र का, तो पुलिस प्रशासन द्वारा जो है पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है कि यहाँ पर की गई है, और श्रद्धालुओं को आने के लिए जो है बसों और ट्रेनों का, ये दोनों का जो है आगमन के लिए जो है कि वो की गई है, ताकि श्रद्धालु शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर जो है सही से जो है कि और वक्त से जो है कि पहुंच सके, क्योंकि ये 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है और यहाँ पर माता का बाम स्कंद गिरा था, बाई भुजा यानी, और काफी अपार जो है श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ भी लगती है, तो उसको उसके मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की गई है श्रद्धालुओं को, श्रद्धालुओं के लिए जो रुकने की व्यवस्था है या ट्रेन की व्यवस्था है या बसों की व्यवस्था है, जैसे पानी पानी की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं जो है कि की गई है इनके लिए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।